सुल्तानपुर में सोमवार को हुई भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लखनऊ बलिया राजमार्ग पर दुग्ध वाहन पर पेड़ गिरा, जिससे ड्राइवर खलासी घायल हो गए। राजमार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। वहीं बारिश से नगर पालिका और नगर पंचायतों की पोल खुल गई है। सड़कों से लेकर लोगों के घर तक में जल भराव हो गया है। बारिश के साथ ओले पड़ने से मौसम ने करवट ले ली है। जानकारी के मुताबिक तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच लखनऊ बलिया राजमार्ग पर पांडे बाबा बाजार के पूर्व दिशा में शेषपुर गांव के पास आंधी के चलते विशालकाय पुराना पेड़ दुग्ध वाहन के मिनी ट्रक पर जा गिरा, जिससे दुग्ध वाहन चालक अरविंद कुमार निवासी राम सराय कोतवाली अमेठी और खलासी मनीष यादव निवासी हनुमानगंज थाना कोतवाली देहात घायल हुए। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि चालक को हेड इंजरी हुई है। उधर पेड़ गिरने से राजमार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। वन विभाग की टीम पेड़ को काटकर मार्ग खाली करने में जुटी है। स्थानीय निवासी संजय यादव, दिनेश यादव, अंकित कसौधन, शंकर यादव, अभिषेक सिंह, अजय वर्मा सहित अन्य लोग ने भी मदद की है। वहीं बारिश से शहर के कई वार्डों में जल भराव हो गया है। लोग तैर कर सड़क पार करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों तक में बरसात का पानी घुस गया है। शहर के प्रमुख बाजारों में भी जल भराव रहा, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मिश्रा ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज की बारिश ने भाजपा के 40 सालों के विकास को बहा दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वोट देते जाते समय भाजपा के इस विकास को याद रख कर ही वोट दें। सुल्तानपुर से 944 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।